जैसे कि आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो यूएसए पहुंच चुकी है और विराट कोहली जो है वो टीम के साथ जो है वो ट्रेवल नहीं किया उन्होंने, और इस चीज को लेकर जो है वो फैंस काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे विराट कोहली की। आपने जो है वो आईपीएल खेल ली और अभी जो है आपको रेस्ट ले लिया, आप पहले नहीं रेस्ट ले सकते थे, अभी जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी है तो आपने जो है रेस्ट ले लिया, तो इस चीज के ऊपर बीसीसीआई ने जो क्लैरिफिकेशन दी। तो बीसीसीआई का ये कहना है कि विराट कोहली ने जो हमें पहले ही बता दिया था और कि हम मैं जो है 30 मई को जो है इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसको ज्वाइन करूंगा, और सुनने में आ रहा है कि शायद जो है पहला मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का वार्म अप मैच है वो जो है शायद आपको विराट कोहली जो है मिस करती हुई नजर आएंगे, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो आपको इंडिया का जो पहला मैच है उसमें जो है वो आपको खेलती हुई नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बढ़ते हैं बात करते हैं भारतीय राइडो की, भारतीय राइडो जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम पर जो है आरसीबी के ऊपर जो है बातें कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑरेंज कैप होल्डर थे मेरे ख्याल से विराट कोहली, 741 रन उन्होंने बनाए थे इस सीजन में, तो वो ट्रॉफी उन्होंने ली, तो उस चीज के ऊपर भारतीय राइडो बोले कि आप जो है वो अगर ज्यादा रन बनाते हैं या लीडिंग रन स्कोरर बनते हैं किसी टूर्नामेंट के, उस चीज से जो फायदा नहीं होता, मतलब अगर आपकी टीम जो है वो फाइनल में नहीं पहुंचती, टाइटल नहीं जीतती, तो आपके जो वो रन है वो बेकार है। इससे पहले जो है उन्होंने बात की थी जब आरसीबी हारी थी आरआर के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है वो सिर्फ सीएसके को हरा कर जो है वो आप फाइनल नहीं जीत सकते, या आप जो है वो सीएसके को हरा कर वो एग्रेशन वो सेलिब्रेशन दिखाकर ऐसे जैसे आपने जो है वो टाइटल जीत लिया हो, इससे जो है वो आप आईपीएल का टाइटल नहीं जीत सकते, बल्कि जो है वो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है और बाकी टीमों को भी जो है वो हराना पड़ता है। तो सीएसके एज अ मेरे ख्याल से अंबाती राइडर जो है वो एज अ बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन है सीएसके के, और वो सीएसके के खिलाड़ी भी रहे हैं, पिछले साल उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो वो मेरे ख्याल से जो उनकी बातें हैं वो एज अ कमेंटेटर उनको जेब नहीं देता वो इस तरह की बातें करें और कमेंट्री के ऊपर बैठकर। खैर आप इस बारे में कह रहे हैं कि आया अंबाती राइडर ने सही कहा या नहीं, तो प्लीज जो है अपनी राय कमेंट्स में दे। वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो साथ।